नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। मारुति सुजुकी अब रिकॉल प्रोसेस शुरू करने जा रही है। बिक्री के मामले में भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता मारुति सुजुकी ने बाजार में बड़े स्तर का रिकॉल जारी करते हुए 1,81,000 से ज़्यादा वाहनों को वापस बुलाया है। जानकारी है कि मारुति सुजुकी 4 मई 2018 से 27 अक्टूबर 2020 के बीच निर्मित 1,81,754 वाहनों में संभावित खराबी को सुधारा जाएगा। मारुति सुजुकी ने ये रिकॉल स्वैच्छिक तौर पर जारी किया है और सभी प्रभावित वाहनों की मरम्मत का काम मुफ्त में किया जाएगा। कंपनी की अधिकृत डीलरशिप पर जाकर प्रभावित वाहनों के मालिक कार की जांच और इसे दुरुस्त करवा सकते हैं। कंपनी ने सियाज, अर्टिगा, विटारा, ब्रेजा, एस क्रॉस और एक्सेल 6 के कुछ पेट्रोल वेरिएंट के लिए ये रिकॉल जारी किया है। ये रिकॉल वैश्विक स्तर पर जारी किया गया है। मारुति सुजुकी का कहना है कि प्रभावित वाहनों के खराब पुर्जों को नवंबर 2021 के पहले हफ्ते से बदलना शुरू किया जाएगा। तब तक कंपनी ने पहले बताए गए वाहनों को पानी भरे रास्तों पर ले जाने से मना किया है। बताया गया है कि सभी प्रभावित वाहनों की मोटर जनरेटर यूनिट में संभावित खराबी के चलते कंपनी ने वाहनों को वापस बुलाया है। बता दें कि मारुति सुजुकी सभी वाहन मालिकों से जल्द संपर्क करेगी। इसके अलावा अर्टिगा और विटारा ब्रिजा के मालिक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.marutisuzuki.com पर IMP कस्टमर इन्फो में जाकर ये देख सकते हैं कि कहीं उनकी कार प्रभावित वाहनों में शामिल तो नहीं। इसके बाद सियाज, एक्सेल और एस क्रॉस के मालिक www.nexaexperience.com पर जाकर अपने वाहन का चेचिस नंबर डालकर इसकी जांच कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।